नाम शिल्पा डेंडोर है और पिताजी का नाम शांतिलाल डेंडोर है और मैं सेमला गाटा की रहने वाली हूँ और बीए थर्ड ईयर की विद्यार्थी हूँ, जिसमें मेरी ड्राइंग सब्जेक्ट है और ड्राइंग में मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। और हमने ये दो दिन का एनएसएस का काम किया, जिसको करते हुए मैं बहुत कुछ और नया सीखने को मिला है और हमें अच्छा लग काम करने के अच्छा लगता है ये काम किया है। और प्रिंसिपल को सर को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ये काम करने को मौका दिया और हम दीपक जी सर के निर्देशक में हमने ये काम किया, हमें अच्छा लगा और धन्यवाद सर। मेरा नाम गायत्री डेंडर है, पिता का नाम शिवराम डेंडर है। हम सेमुलिया कटे की रहने वाली हूँ और बीए थर्ड ईयर क्लास में पढ़ती हूँ और मेरी चित्रकला विषय है। और हमारे सर दीपक जी सालवी के निदेशक में ये कार्य किया और हमारे महाविद्यालय प्रिंसिपल साहब को मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, उन्होंने हमें काम करने में मौका दिया और मैं आगे भी यह करती रहूँगी। धन्यवाद। मेरा नाम वीणा रोथ है और मैं बीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी के नाम कांतिलाल रोथ है और हमारे प्रिंसिपल और डॉक्टर दीपक जी सालवी और यशपाल जी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमें ये एनएसएस का कार्य करने का मौका दिया। थैंक यू सर। मेरा नाम पायल भगोरा है, मेरे पिता का नाम रामलाल भगोरा है। मैं बीए सेकेंडरी ईयर में पढ़ती हूँ और मेरी सब्जेक्ट ड्राइंग है और ये सब मैंने दीपक जी सर और उनके निर्देश में किया है और ये हमारा ना स्नेह है और मैं प्रिंसिपल सर और दीपक जी सर और उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अंजू मकवाना है, मेरे पिताजी का नाम नंदू मकवाना है। मैं बीए सेकेंड ईयर ड्राइंग की स्टूडेंट हूँ। दीपक सालवी जी हमारे टीचर थे, ड्राइंग के टीचर थे, जिन्होंने हमें ड्राइंग करने के बारे में बताया और ड्राइंग क्लास में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। एनएसकेएम के द्वारा सर ने हमें ड्राइंग करने के लिए बारे में बताया था, जो कि हमने दो दिनों में ड्राइंग करने की कोशिश की है और प्रिंसिपल सर ने हमें करने की इजाज़त दी, उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद।
myself Dr. Deepak Salvi. I am assistant professor in drawing and painting at Government College Sagwad, district Dungarpur, Rajasthan. ये मेरे चित्रकला विभाग के विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई मानना कलाकृतियाँ हैं। ये कलाकृतियाँ इनकी तीज त्योहारों पर अपने घर प्रांगण में बनाते हैं और इसमें जो आकार प्रयुक्त किए गए हैं ये प्रकृति को निरूपित करते हैं, प्रकृति को परिभाषित करते हैं, क्योंकि आदिवासी अंचल के लोग और यहाँ के बच्चे प्रकृति प्रेमी होते हैं। इस प्रकार से मैंने इस महाविद्यालय प्रांगण में इन रूपाकारों को बनवाने का और मानना कलाकृतियों को बनवाने का प्रयास किया है और मैं इन सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू।